लेट्स डिस्कस लेयर्स ऑफ आईलिड। इसको हम सेवन हेडिंग्स में डिस्कस करेंगे। दैट इज फर्स्ट है स्किन, सेकेंड सबक्यूटेनियस एरियोलर टिश्यू, थर्ड लेयर ऑफ स्ट्रैटेड मसल, फोर्थ सब मस्कुलर एरियोलर टिश्यू, फिफ्थ फाइब्रस लेयर, सिक्स लेयर ऑफ नॉन स्ट्रैटेड मसल फाइबर्स एंड सेवन्थ कंजक्टाइवा। तो फर्स्ट स्किन देखते हैं। स्किन इलास्टिक होती है, इसकी फाइन टेक्स्चर होती है और ये थिनेस्ट होती है, जो बॉडी में होती है ना उसमें थिनेस्ट होती है एज कंपेरिजन टू अदर स्ट्रक्चर्स। जो आईलेट में जो स्किन होती है वो थिनेस्ट होती है। नाउ सेकेंड सबक्यूटेनियस एरियोलर टिश्यू। सबक्यूटेनियस एरियोलर टिश्यू बहुत लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसमें कोई फैट नहीं होता है, इसलिए यह रेडिली डिस्टेंडेड हो जाता है इडिमा से या फिर ब्लड से। नाउ थर्ड आता है लेयर ऑफ स्ट्राइटेड मसल। तो इसमें फर्स्ट ऑर्बिकुलरिस मसल है, सेकेंड लिवेटल पारपेपरी सुपीरियरिस मसल है। तो ऑर्बिकुलरिस मसल में ऑर्बिटल पार्ट आएगा, प्रीसेप्टल पार्ट, प्रीटार्सल पार्ट एंड फंक्शन आएगा उसका। तो ऑर्बिकुलरिस मसल एक ओवल शीट फॉर्म कर लेती है अक्रॉस आईलेट्स और इसका फर्स्ट ऑर्बिटल पार्ट एनसर्कल करता है ऑर्बिटल मार्जिन को। और सेकेंड इसका प्रीसेप्टल पार्ट जो होता है वो सेप्टम ऑर्बिटल के सामने होता है और उसके लूजली अटैच्ड होता है उससे। प्रीसेप्टल और प्रीटार्सल पार्ट्स के जंक्शन पे पार्पेब्रियल फरो फॉर्म होता है। नाउ थर्ड है प्रीटार्सल पार्ट। प्रीटार्सल पार्ट जो टार्सल से फर्मली अधेरेंट रहता है और प्रीटार्सल फाइबर्स के कुछ पोर्शन अटैच रहता है इंटीरियर लैक्राइमल क्रेस्ट में और कुछ पार्ट अटैच रहता है पोस्टीरियर लैक्राइमल क्रेस्ट में। इसको हॉर्नर्स मसल बोलते हैं। ये वाइटल रोल प्ले करता है टीयर ड्रेनेज में और छोटा सा बंडल जो प्रीटार्सल मसल फाइबर्स का वो एक्सटेंड करता है आईलिड मार्जिन में, उसको बोलते हैं मसल ऑफ रोइंग। नाउ फंक्शन क्या होता है ऑर्बिकुलरिस मसल का? आईलिड्स को क्लोज करना और ये सप्लाई होता है जाइगोमेटिक ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व से। इसलिए जब फेशियल नर्व का पैरालिसिस हो जाता है तो लैग ऑफ थैलमोस ऑकर हो जाता है, ठीक है। नाउ सेकेंड लिवेटल पैल्पेब्री सुपीरियरिस मसल, ये प्रेजेंट होते हैं अपर आईलिड में बस और ये रेज करती है अपर लिड को और सप्लाई होती है ये ऑक्यूलो मोटर नर्व की ब्रांच से। नाउ फोर्थ सब मस्कुलर एरियोलर टिश्यू का लेयर है। तो ये लूज कनेक्टिव टिश्यू का एक लेयर होता है, नर्व्स और वेजल्स इस लेयर में रहती है और लिड्स को एनेस्थेटाइज करने के लिए इंजेक्शन इसी में दिया जाता है। नाउ फिफ्थ है फाइब्रस लेयर। फाइब्रस लेयर में दो पार्ट्स होते हैं, डेसिस टार्सल प्लेट एंड सेप्टम ऑर्बिटल। तो ये फ्रेमवर्क फॉर्म करता है फाइब्रस लेयर लिड्स का। और टार्सल प्लेट क्या होता है? टार्सल प्लेट्स दो प्लेट्स होती है डेंस कनेक्टिव टिश्यू की, एक लिड के लिए एक होती है और जो शेप देती है और फर्मनेस देती है लिड्स को। तो टार्सल प्लेट्स के सब्सटेंस में मेबोबियन ग्लैंड होता है पैरेलल रोज में। नाउ सेप्टम ऑर्बिटल, ये एक थिन मेम्ब्रेन होती है कनेक्टिव टिश्यू की जो सेंट्रली अटैच रहती है टार्सल प्लेट से और पेरिफेरली अटैच रहती है पेरिओस्टियम से ऑर्बिटल मार्जिन के। ये नर्व से परफोरेटेड हो जाती है वेजल से और लिवेटर पाल्पेब्रे सुपेरियरिस से भी परफोरेट हो जाती है जो लिड्स को एंटर करता है ऑर्बिट से। नाउ सिक्स्थ लेयर ऑफ नॉन स्ट्राइटेड मसल फाइबर्स होता है। इसमें पाल्पेब्रल मसल ऑफ मुलर रहता है जो कि सेप्टम ऑर्बिटेल के डीप में रहता है दोनों लिड्स में और ये सप्लाई होती है सिंपैथेटिक फाइबर्स से और उसके पैरालिसिस से हॉर्नर सिंड्रोम हो जाता है। नाउ कंजक्टाइवा सेवन्थ लेयर है। तो कंजक्टाइवा पार्ट वो पार्ट होता है जो कि लाइन करता है लिड्स को और उसको हम उस पार्ट को बोलते हैं पाल्पेब्रल कंजक्टाइवा। और उसमें तीन पार्ट्स होते हैं, दैट इज मार्जिनल, टार्सल और ऑर्बिटल पार्ट। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ अपर आईलिड यहाँ पे शो किया गया है तो इसी में लेयर्स पूरे शो है। तो ऊपर में फैट है, देन उसके नीचे सेप्टम है, उसके नीचे ऑर्बिकुलरिस मसल है, फिर सेट ग्लैंड है नीचे मार्जिन्स पे, देन लैश विथ जीज ग्लैंड है, यहाँ राइट साइड में ग्लैंड ऑफ क्रॉस है ऊपर में, देन लिवेटर मसल है, मुलर्स मसल है, पेरिफेरल आर्केड है बीच में छोटा सा, देन ग्लैंड ऑफ वोल्फरिंग है ये नीचे में, देन मेबोमियन ग्लैंड है टार्सल प्लेट में, ये अरेंज्ड है पूरा, और मार्जिनल आर्केड है और ओपनिंग ऑफ मेबोमियन ग्लैंड है नीचे में। तो ये स्ट्रक्चर है अपर आईलिड का। ये था लेयर्स ऑफ आईलिड के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।